नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कोरोना वायरस से जूझ रहा अमेरिका जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से $1 अरब में कोविड 19 की संभावित वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदेगा, क्योंकि जिस स्थिति से अमेरिका गुजर रहा है उसके लिए ये अब जरूरी हो गया है कि वैक्सीन और दवा के सभी इंतजाम किए जाएं। 1.5 लाख अमेरिकी लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने वैक्सीन और दवा जमा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वैक्सीन के एक डोज की कीमत करीब $10 पड़ रही है। इससे पहले मार्च में अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन को $45.60 करोड़ दिए थे। इसके अलावा अमेरिका फीजर और जर्मनी बायोटेक कंपनी से भी $19.50 प्रति डोज की दर से वैक्सीन खरीद रहा है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित वैक्सीन के $3 से $4 प्रति डोज रहने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को वैक्सीन लगाए जाने के अभियान में शामिल किया जाता है तो ये फ्री भी हो सकती है। दुनिया भर में 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम हो रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन ने आशा जताई है कि अगर उसका ट्रायल सफल होता है तो वह 2021 में कोरोना वायरस वैक्सीन की 1 अरब डोज बना लेगी। कंपनी ने कहा कि वह अमेरिका और दुनिया भर में अपनी वैक्सीन निर्माण क्षमता को और ज्यादा बढ़ा रही है। बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। विश्व भर में कई कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस प्रयास में सफलता मिलती भी दिख रही है और 3 कंपनियों की वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन दुनिया भर में इसके करोड़ों डोज पर कब्जा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई है। दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी तीसरे फेज में है। इसमें 2 कंपनियां चीन की हैं और तीसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। यूरोपियन यूनियन की जॉनसन एंड जॉनसन और सनोफी कंपनी से बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में इस महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या अब 40,000 के पार चली गई है, जबकि पिछले कई दिनों से औसतन हर रोज 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब करीब 20 लाख के पास पहुंच गई है, जबकि सबसे प्रभावित देशों में भारत, अमेरिका और ब्राजील के साथ ही है। देश में पिछले 24 घंटे में कुल 56,282 मामले सामने आए हैं, जबकि कुल 904 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 19.64 लाख हो गई है। इनमें से 5.95 लाख केस एक्टिव हैं, जबकि 13.28 लाख लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में कुल 904 लोगों की जान गई है। इसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा 40,699 पहुँच गया है। भारत में अब रिकवरी रेट 67% को पार कर चुका है, जबकि मौतों का आंकड़ा 2.07% है। अभी देश में करीब 30% केस एक्टिव हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मौत अमेरिका में हुई है। यहां करीब 1,252 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 53,633 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 3 हफ्तों से अमेरिका में औसतन 50,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही कुल केसों का आंकड़ा 48 लाख तक पहुंच गया है, जबकि अब तक 1.58 लाख लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना वायरस के कारण हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां करीब 57,152 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही कुल केसों की संख्या 28.59 लाख पहुंच गई है, जबकि 1,437 मौत दर्ज की गई हैं, जिसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा 97,000 के पार पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनशक्ति न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।